अब आप देखो कितनी तेज बारिश है इधर। तो गाइस आज एक छोटी सी राइड का प्लान है और इसी चक्कर में आज मैं निकल रहा हूँ एक शॉर्ट राइड पर। तीन चीज़ें कवर करने की कोशिश करूँगा जिसमें कि फैजाबाद के पास, फैजाबाद जो कि अयोध्या है, वहाँ पर एक भेमुआ घाट है। गोंडा डिस्ट्रिक्ट में वजीरगंज एक जगह है, वहाँ पर एक बारादरी है, काफ़ी हिस्टोरिकल है, वहाँ पहुँच के इसके बारे में बताएंगे। बात है गोंडा डिस्ट्रिक्ट में ही एक बर्ड सेंचुरी पार्वती अरंगा। तो ये तीन चीज़ें कवर करने की कोशिश करूँगा मैं अपनी आज की राइड में, जो अप्रॉक्स 300 किलोमीटर की हो जाएगी अप एंड डाउन मिला के। सो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए फिलहाल चलते हैं, मौसम आज साथ नहीं देगा जहाँ तक मेरा ख्याल है, बादल बहुत छाए हैं तो बारिश मिलेगी और पूरी पॉसिबिलिटी है कि बारिश मिलेगी। फिलहाल चलते हैं और रोड पर मिलते हैं। तो गाइस वेलकम बैक, और आज कुछ ऐसा मौसम है कि बारिश के आसार पूरे जाता है, और आज मैं, मुझे लग रहा है कि मैं भीगूंगा तगड़ा वाला आज, लेट्स सी। और अभी मुझे इस रूट पर तकरीबन 80-90 किलोमीटर तक तो रहना ही रहना है। ये है यहाँ का हाई कोर्ट। तो ज़बरदस्त मौसम है जिसकी वजह से मुझे लग रहा है थोड़ा सा डर कि क्या होगा आगे। मैंने जो जो सोचा है क्या वो मैं कवर कर पाऊँगा, क्या चैलेंज वहाँ तक जा पाएगा, कैसे नहीं लौट के वापस आ पाएगा फिर सेफली, तो यही सब चीज़ें हैं। लिहाज चलते हैं और चल रहे हैं। एक्चुअली फ्रेंड को बोला था तो एज यूजुअल मेरा फ्रेंड गोलीबाज है, थोड़ा गोलीबाज नहीं कह सकते, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिसकी वजह से वो नहीं जा पाता है। और दो उसने डोमिनर ले रखी है कोडा का शोरूम मेरे लेफ्ट में। आजा फैजाबाद। तो इस रूट पर तो मैं कई बार गया हूँ, तो इस रूट पर तो फिलहाल ऐसा कुछ है नहीं कि बहुत बढ़िया आपको दिखाया जाए। जो है वो वही है फिलहाल, और ठंडी हवा चल रही है, और आगे ऐसा लग रहा है कि बारिश ज़बरदस्त हो रही होगी। अगर हो रही होगी तो रुक जाएंगे कहीं, इतना रिस्क नहीं लेंगे, बीच बीच में रुक जाएंगे कहीं और क्या। अभी बहुत तेज बारिश शुरू हो चुकी है। जो आप सामने वो फ्लाईओवर देख रहे हो उधर ओवरब्रिज, वहां पर बहुत तेज बारिश हो रहा हूँ, क्या करूँ। पहले सारा पैक कर लेता हूँ सामान, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो गाइस बहुत तेज़ बारिश स्टार्ट हो चुकी है, और देख रहे हो क्या बुरा हालत है इस समय, ज़बरदस्त बारिश का मौसम है, और पूरी तरह भीग चुका हूँ मैं ऑलमोस्ट। तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आगे बढ़ूँ कि ना बढ़ूँ, और दो मैं भीग तो चुका हूँ पूरी तरह अब, या फिर ऐसे रास्ते पर भी नहीं हूँ कि मैं घर नहीं वापस जा सकता। घर यहाँ से मेरे घर से भी मेरा 13 किलोमीटर के अराउंड मेरा घर है, तो मैं सोच रहा हूँ या फिर घर चला जाऊँ, देखते हैं। अगर आगे कहीं बारिश नहीं रुकती है 5-6 किलोमीटर तक तो मैं वापस आ जाऊँगा, क्योंकि तो चांस लेने से कोई फ़ायदा नहीं, पूरी बारिश में ब्लॉग भी नहीं कर पाऊँगा मैं। आप देख लो फिलहाल मैं एक्शन कैमरा को करता हूँ बंद, मेरे जूते मुझे गए हैं पूरी तरह भीग, अब जूतों में भर गया है पानी। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, और अभी मैं रास्ते में रुका हूँ, अभी वो तब तक आगे बढ़ें या फिर ना बढ़ें, क्योंकि तकरीबन अभी 150 किलोमीटर और चलना है, तो अगर इसी तरीके का रेनफॉल मिलेगा तो आगे बढ़ने की कोशिश नहीं हो पाएगी, तो होपफुली मैं वापस घर की तरफ चला जाऊँगा, लखनऊ की तरफ। वैसे ही मिलते हैं बाद में आपसे। तो बारिश का कुछ ये आलम है कि बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही है, रुकने का नाम नहीं लेगी, तो मेरा आगे बढ़ना ठीक नहीं है, और मैं आया हूँ अभी 16 किलोमीटर, तो वापस लौटना ज़्यादा ठीक रहेगा। मैं आगे से कहीं यू टर्न लेकर वापस जाऊँगा, क्योंकि
अब ये तो बेवकूफ़ी भरा स्टेप होगा कि मैं आप आगे बढ़ूँ, क्योंकि अगर जस्ट मैं अगर 16 किलोमीटर वापस आया हूँ तो वापस जाया जा सकता है। तो आगे से कहीं यू टर्न लेंगे, वैसे ये बाराबंकी आ चुका है क्योंकि मैं इस समय खड़ा था सफ़ेदाबाद में। लेते हैं एक आगे से यू टर्न, और यू टर्न इसके नीचे से है। क्योंकि मैं पूरी तरह भीग चुका हूँ, पूरी तरह भीग चुका हूँ। अब जिस तरीके का वेदर है उस तरीके से तो आगे बढ़ना ठीक नहीं होगा। लेट्स सी क्या होता है अब आगे से। यहीं से हम यू टर्न ले लेते हैं और घर चलते हैं, क्योंकि ये बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। ये जो आप देख रहे हो रास्ता, ये निकल रहा है बाराबंकी शहर में। अपन निकलेंगे इधर से और जो है आगे से ये वाला टर्न लेके वापस। लिटरली भीग गया हूँ, पूरी तरह भीग चुका हूँ, आगे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो गाइस आई होप मैं ब्लॉग को अब यहीं पर एंड कर रहा हूँ। 300 किलोमीटर की राइड 13 किलोमीटर में ही कर 30 किलोमीटर में ही बदल गई केवल आज। तो फिलहाल अब जा रहे हैं घर, बारिश देख रहे हो बहुत तेज हो रही है। देखो कितनी तेज़ बारिश है, इधर उधर थोड़ी धीरी थी जो भी है। और फिलहाल घर पहुंचते हैं और ब्लॉग को जो है भीगा भीगा छोड़ते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरा कितना क्या क्या चीज़ भीग चुका अभी तक पता नहीं। तो गाइस चलिए ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। अब सी यू, बाय बाय, टेक केयर एंड राइड सेफ, स्टे सेफ, बाय बाय।